चुनाव के नतीजे आरपी भारत के साथ। आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। सारण जिले के मांझी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी विजय प्रताप चुन्नू चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। अपनी जीत का दावा करते हुए चुन्नू सिंह अपने विरोधियों को धूल चटवाने का दम भर रखे हैं। मांझी विधानसभा से 10 सालों से जिला परिषद के रूप में समाज की सेवा कर रहे चुन्नू सिंह क्षेत्र की जनता के सलाह पर विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरे हैं। वहीं चुन्नू सिंह ने आरपी भारत से बात करते हुए कहा कि क्षेत्र का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है, जिसमें निचले तबके के लोगों की कोई बात नहीं करता, उनके उत्थान के लिए हम संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि मांझी में कोई उद्योग कारखाना नहीं होने से मांझी के लोग जो बाहर प्रदेश में जाकर काम करते हैं उनके लिए छोटे ही सही पर उद्योग कारखाने लगवाने का प्रयास करूंगा, ताकि क्षेत्र के बेरोजगारों को अपने इलाके में ही रोजगार मुहैया कराया जा सके। चुन्नू सिंह ने कहा कि मांझी की जनता इस बात को भली भांति जानती है कि विकास किसके एजेंडे में है। ढकोसले नेताओं और हवाबाजी पैंतरे देने वालों से मांझी का विकास नहीं हो सकता है। मांझी के विकास के लिए मांझी के माटी का लाल चाहिए, जो केवल मांझी के विकास को लेकर दिन रात काम करे। चुन्नू सिंह ने कहा कि मांझी की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि मांझी के चौमुखी विकास के लिए मांझी की धरती का धरती पुत्र चाहिए, जो गरीबों और जरूरतमंदों की आवाज को ताकत देगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता उनके उम्मीदवारों से काफी उत्साहित है, उनकी जीत यहां की जनता के लिए सबसे बड़ी जीत होगी। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। लगातार 10 वर्षों से समाज में अपना योगदान देते आ रहे जिला पार्षद विजय प्रताप सिंह चुन्नू इस बार मांझी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पे हम अभी खड़े हैं मांझी विधानसभा क्षेत्र के दाऊदपुर बाजार पे, जहां से जानेंगे लोगों का क्या विचार है विजय प्रताप सिंह चुन्नू के बारे में। क्या कहेंगे आप इस बारे में चुन्नू प्रताप सिंह चुनाव मैदान में विधायक? देखिए, पिछले 15 वर्षों से हमारा मांझी विधानसभा क्षेत्र तीन चीजों में सबसे पीछे है। एक शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा यहाँ का जो विधि व्यवस्था है सरकारी तंत्र का। इस मामले में हम बहुत पीछे हैं। हम पूरा विश्वास करते हैं अपने प्रत्याशी चुन्नू चाचा पर कि मांझी क्षेत्र में इन तीन चीजों को ये प्रमुखता से अपने सामने रखेंगे और मांझी की जनता लगभग 90% चाचा के साथ में है और जीत सुनिश्चित करेगी मांझी की जनता। बिल्कुल, युवाओं का साथ इस बार चुन्नू प्रताप सिंह को मिल रहा है और कुछ लोग हैं जिनसे जानेंगे। क्या लगता है आपको चुन्नू प्रताप सिंह जीत को लेकर आप कितना दावा कर सकते हैं? करतनी सावनी के विकास के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति हमेशा यहाँ के सजग रहिला, हमेशा एक दूसरे से खड़ा रहिला, केहू के दुख सुख होला फोन से बात होला तुरते पहुँच के आकर तुरते विकल्प ओकरा के क्लियर करिला। ऐसे चुन्नू भैया दाऊदपुर बाजार के भी विकास आजादी के बाद, आजादी के पहले जौन भी भइल बा इहें के सौजौन से भइल बा, कभी भी केहू के तबियत खराब हो जाए 24 घंटा एक कॉल पर यहाँ के खड़ा हो जाए। हमेशा जनता के डिमांड पे डिमांड लोग चुन्नू प्रताप सिंह को खड़ा किया। जी जी, क्या लगता है चुन्नू प्रताप सिंह के जीत को लेके कितना आपका मतलब? सुनिश्चित सुनिश्चित, कोई लड़ाई नहीं है। कैसे तो कैसे का मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी कम्युनिटी से आता है इनके पास जाए तो खाली हाथ नहीं आता। इनका फोन 24 आवर खुला रहता है। फोन किए 12 बजे रात में, नहीं मिलेंगे, किसी का तबियत खराब हुआ इमरजेंसी में, कोई अस्पताल गया अगर यहाँ देहात है तो रोगी के पहुँचने के पहले सिंगल नेता है मांझी विधानसभा में जो रोगी के पहुँचने से पहले खुद खराब हो जाते हैं। बिल्कुल, लगातार इस तरह के लोगों के सेवाओं में जुड़े रहने वाले विजय प्रताप सिंह चुन्नू, जो कि हमेशा उपलब्ध होते हैं 24 घंटा लोगों के सामने रहना, लोगों के हित के लिए काम करना। अब हम जानते हैं चुन्नू प्रताप सिंह से क्या है, किस तरह की लड़ाई है इस बार आपकी? मेरी लड़ाई किसी पार्टी से, किसी दल से नहीं, किसी व्यक्ति से भी नहीं। मेरी लड़ाई सिर्फ मांझी के विकास से। क्या लगता है जीत की प्रक्रिया? हम असमित है, जनता मेरे साथ है। मैं 15 सालों से जनता का सेवा किया हूँ और मैं सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए राजनीति करता हूँ, राजनीति मेरा व्यवसाय नहीं। जबकि आप 10 साल जिला पार्षद भी लगातार आप हैं भी अभी,
तो ऐसे में कैसे निर्णय लिया विधानसभा चुनाव लड़ने का? ये निर्णय मेरा नहीं है, ये माझी के जनता के निर्णय है। माझी के इतिहास में जिला पार्षद एक बार भी दोबारा कोई नहीं जीता है। मैं विगत 10 सालों से पार्षद हूँ और जनता मुझे ही चुनाव लड़ा रही है, मैं चुनाव दे रहा हूँ। बिल्कुल, जनता के जीत पर, जनता के मांग पर चुनाव लड़ने वाले विजय प्रताप सिंह चुन्नू का ये दावा है कि माझी विधानसभा सीट से इस बार वो भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। छपरा से आरपी भारत के लिए मैं मनोरंजन पाठक।